राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम पर फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई रेलवे के अंदर भाई क्लर्क के पदों के ऊपर भाई बम्पर भर्ती लिखी आई है। 12वीं पास करीबन करीबन 25,000 पदों के ऊपर ये आपकी भर्ती आई हुई है, ठीक है। इसके अंदर भाई 12वीं पास जितने भी नए नए नर और मादा लिखड़ के आए ना इबे मार्केट का, मैं जमानू नए नए फ्रेश पीस, ठीक है भाई, इनका खातर याद गच्छ भर्ती आएगी, जमा स्वाद आ जाएगा। तैयारी अगर तो हम लोग आज तक शुरू करोगे ना तब जाके तारा सिलेक्शन पक्का होना है, ठीक है। फार्म कद तब रेजाएंगे, एग्जाम डेट कद है, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा इसका, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उम्र कितनी मांगी गई है, सैलरी कितनी है, तैयारी कैसे करनी, सारे के सारे फैक्टर आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। देखो फटाफट पूरी वीडियो ध्यान से देखना, कदे नो एंड अंडू बंडू मुंह करके बैठ जाओ, ठीक है। इसका मैं सारी चीज बताऊंगा, बस तैयारी करनी कैसे है, जो नए फ्रेश कैंडिडेट है ना, फ्रेश जो नए नए बच्चे लिखड़ के आए हैं जमानू पीस, देखो भाई उससे पहले भाई अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करने लग रहे हो तो एजुका जोन के द्वारा भाई आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए भाई 20 प्रैक्टिस सेट की स्पेशल बुक निकाली गई है विद एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर आपका अर्थमेटिक मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी और जिक्के रहेगी, 2500 प्लस एमसीक्यू रहेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर भी इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। ये देखो भाई ये इसका सारा का सारा है आपका, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर का 16/1/2019 का पेपर है, ये एज इट इज का पूरा पूरा पेपर और पूरा पूरा सॉल्यूशन इसके अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो या दुकान पे जाके भी परचेज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एजुका जोन की नई बुक लॉन्च हुई है ये मार्केट के अंदर अभी अभी, ठीक है। और आगे देखो भाई और इससे रिलेटेड एक और है भाई, एक इनकी स्टडी गाइड भी है, ठीक है। इस बुक के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक के साथ साथ एक स्टडी गाइड भी है, ये भी एजुका जोन की आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जो भी तैयारी करने लग रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते हो। देखो भाई अब मामला क्या है, ये है भाई आपकी भर्ती, इसके अंदर सारी की सारी चीज बताऊंगा। कद के कुछ मैटर है भाई, जून के एंड में भाई तारे फार्म लिखड़ जाएंगे, ईव जो जून का एंड है उस टाइम तारे फार्म लिखड़ जाएंगे। कल परसों अखबार के अंदर भी आई हुई थी ये चीज भाई, जून के एंड के अंदर या जुलाई के फर्स्ट वीक में है आपके भाई 100%। मैं आपको यहां पर लिख के दूं, इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो, 100% आपके फार्म में निकलने वाले हैं। लास्ट डेट आपकी जुलाई एंड इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। मैं आपको अभी से क्यों बताने लग रहा हूं, क्योंकि भाई इसके एग्जाम के लिए आपको जो तैयारी का जो समय चाहिए वो आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, आपको एडवांस बताने लग रहा हूं ताकि आप लोग और बच्चे तक आगे हो जाओ, ठीक है। उम्र कितनी, 18 से 30 साल के भाई जितने भी नर जमा मादा हैं, ठीक है, 18 प्लस हो गए, अडल्ट की श्रेणी में आ गए, अडल्ट कंटेंट। देखो भाई आगे की फीस कितनी है भाई, मात्र ₹500 भाई इसकी फीस है, मात्र नहीं लेकिन आपको ₹400 का कैशबैक भी मिलेगा। मतलब कैसे है, अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका के सिस्टम आपको ₹500 की फीस देनी है अभी, ठीक है। जैसे ही अगर आप एग्जाम के अंदर बैठ के आते हो, जो इसका टीयर वन होगा उसके अंदर अगर आप बैठ के आते हो, एग्जाम दे के आते हो, ठीक है, तब आपको ₹400 वापिस आपके खाते में आ जाएंगे। तो जिस टाइम फीस कटवाओ तो ध्यान रखना कि आपका जो अपना खाता नंबर है उसी से फीस कटवाओ, या फिर चलो फीस तो चाहे किसी से कटवा लो, उसके अंदर अकाउंट नंबर मांगता तो उस टाइम आपको अपना अकाउंट नंबर भरना है। कई बार एक कंप्यूटर वाले खुद का भेज दो ₹400 कैशबैक, कंप्यूटर वाला का उसमें आओ खत्म में तरल को नहीं आओ फिर। और ये 400 कब मिले, जब आप एग्जाम दे के आओ, तब अगर आप एग्जाम देने नहीं गए तो ₹400 कैशबैक भूल जियो भाई, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास, फ्रेश नर जमा मादा, ठीक है, दोनों प्रकार के प्राणी हैं, ठीक है। मादा अपने पंख फैलाए हुए बैठी मिलेगी, नरों को सिर्फ अपनी तैयारी करनी है और मादाओं को भी, नर भी अपने पंख फैलाए हुए मिलेंगे, ठीक है। जो भी नर मादा की तलाश में है भाई वो अपना तैयारी करके नौकरी लेके अपनी मादा की प्राप्ति कर सकता है, वरना भाई दुखों का जो सागर है आप उसके अंदर अथाह सागर में डूबते जाओगे। अगला देखो आगे क्या है, आगे इसके अंदर पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट देखो भाई आपकी कौन कौन सी है। एक तो आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, इसके अंदर आपकी 19,900 बेसिक पे है। बेसिक पे का मतलब ये आपकी शुरुआती पे होगी, टोटल कुल मिला के आपको 31 से 32,000 रुपए आपकी सैलरी मिलेगी, ठीक है, सारे भत्ते वगैरह वगैरह मिला के, ठीक है। इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, आगे सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस, इतनी सैलरी है। जूनियर टाइम कीपर सेम सैलरी, सेम टाइपिंग टेस्ट। लेकिन ये जो ट्रेन क्लर्क है जिसको टीसी भी बोलते हैं, इसके अंदर आपकी सैलरी तो सेम है लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर आपका फिजिकल होगा और मेडिकल होगा, इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है।
तो अप्लाई करने से पहले सुन लियो, इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट का जो ट्रेन कलर के, इसके अंदर आपको कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं देना, सीधा फिजिकल और मेडिकल। उसके बाद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके अंदर क्या है, इसकी आपकी सैलरी भी ज्यादा है, 21,700 आपकी बेसिक पे है, ठीक है। कुल मिला के आपको जब तनख्वाह मिलेगी तो अप्रोक्स आपको 37-38,000 रुपए आपकी सैलरी मिल जाएगी, आपके खाते में इन एंड 37-38,000 मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपका कोई टेस्ट नहीं है, ना फिजिकल ना टाइपिंग टेस्ट, कुछ नहीं, सीधा रिटन टेस्ट देना, टीयर 1 टीयर 2 और सीधा डायरेक्ट जॉब, ठीक है। इसकी कट ऑफ भी आ जाती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सैलरी ज्यादा आई, सैलरी वाली चीज की डिमांड ज्यादा है, तो भाई कट ऑफ भी आई। तो ये आपको मैं रिकमेंड करूंगा भाई, आप इसको टारगेट मान के तैयारी करो, ये नहीं मिली तो ये तो अपने आप मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो ये आपका सारा का सजेशन, ये 5 तरीके की पोस्ट आनी है। उसके बाद देखो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न भाई इसके अंदर सब्जेक्ट रहता है आपके, इसके अंदर 2 टीयर होते हैं। ये है टीयर 1 का, यानी कि पहला पेपर जैसे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, ठीक है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट आपका मैथ आओगा भाई, मैथ आपका 30 क्वेश्चन आओगे, 30 नंबर के आओगे, हर एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा। रीजनिंग के अंदर भी सेम 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, और जीके के अंदर 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, हर एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 90 मिनट का आपको इसके अंदर समय मिलेगा, अप्रोक्स ये समझो आप 1.5 और 1.5 घंटे का, और 1/3 की यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 3% गलत करोगे तो एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा, आगे बात समझ में। तो इस टाइप से इसका एग्जाम पैटर्न है। अब बात हम लोग करें इसकी तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। आप जैसे इसका जो टीयर 2 है उसके ऊपर तो आप लोग बाद में जाओगे, टीयर 2 के अंदर कुछ अलग नहीं है भाई, टीयर 2 के अंदर सिर्फ यही है, जो बच्चे टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे उनको टीयर 2 के अंदर बिठाया जाएगा, सेम एग्जाम पैटर्न है, बस उसके अंदर क्वेश्चन थोड़े ज्यादा, जैसे मैथ के अंदर 30 है उसके अंदर 35 आएंगे, रीजनिंग के अंदर 30 है टीयर 2 में 35 आएंगे, जिक्के में 40 है उसके अंदर 50 आएंगे, टोटल उसके अंदर 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पेपर होगा टीयर 2 में, बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा डिटो सेम रहेगा। अब बात करेंगे हम लोग इसकी तैयारी करनी कैसे है, मेन चीज तो तैयारी करनी है। अब जैसे आपको इसके अंदर अगर सिलेक्शन लेना, जिक्के में आपके कभी पूरे बट्टे पूरे नहीं आएंगे, जे कितना है हंगा लगा लियो, ठीक है, तारा जमानू समझो नू छाती फूल जाएगी, हंगा लगा लगा, ठीक है, तो भी तारा पूरे नंबर नहीं आओगे, शर्त लगा लो, कितने कोई सा मास्टर पर कोई सी तोप पकड़ लियो तम तो भी को नहीं हो पूरे, ठीक है। आप पूरे नंबर जो स्कोर कर सकते हो भाई वो मैथ और रीजनिंग के अंदर ही कर सकते हो, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के अंदर क्या है भाई, आप लोग जैसे 30 और 30 60 है तो 60/60 का स्कोर कर सकते हो, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और अच्छी तैयारी है तो। और वो आप तैयारी कब कर सको, अभी कर सको, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इनकी अच्छे से तैयारी करके आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। आज से ही अगर आपको तैयारी करनी है, इसके अंदर सिलेक्शन लेना, नौकरी लेनी है भाई, मैं आपको गारंटी देने लग रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मार लियो, जून के एंड में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जून के एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में भाई, क्योंकि परसों वाले न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था, जुलाई के फर्स्ट वीक में भाई 100% ये वैकेंसी आपकी आ जाएंगी, लिखित में ले लो, फार्म भरे जाएंगे, नवंबर तक इसका एग्जाम होगा। आप सोचो ओ नवंबर तक तो बहुत टाइम है भाई, मैं बताऊं जो फ्रेश कैंडिडेट है ना, जमानू काचा काचा अंदर हर काची काची जो नए नए बच्चे लिगड़ के आए हैं भाई, वो कोनी हो यार एकदम 6 महीने में तैयारी, मैं सही बताऊं धरती आज तक लगोगे ना तब भी समझो बस किस्ता का मैं पास हो गया, अगर होगी तो भी सच्चाई तो अवगत कराओ मैं तरती, झूठा दिलासा कौन देता कि हाँ ना तरती डिमोटिवेट करता, अगर आज से भी पूरी 8-8 घंटे पढ़ना शुरू करोगे ना, जी लगा के मेहनत करो, ये 8 नहीं तो 7-7 घंटे तो मिनिमम, तब जाके समझ लेना कि आपका होगा जो फ्रेश कैंडिडेट है उनकी। तो मैथ की देखो तैयारी कैसे करोगे आप, कोई भी आप यूट्यूब पे चैनल पकड़ लो, कोई भी कोई SSC की तैयारी करवाता हो, रेलवे किसी का भी पकड़ लो, ठीक है, SSC वाला भी सेम है, उसके अंदर क्या आपको इनकी प्लेलिस्ट देखनी है, प्लेलिस्ट उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और वहां पर इनका टॉपिक वाइज मिला, जैसे सबसे पहले प्रॉफिट लॉस किया, प्रॉफिट लॉस के अंदर मान लो 7-8 टॉपिक है, ओ सॉरी 7-8 टाइप के सवाल है, 7-8 क्लासेस मान के चल पड़ो एक बार, ठीक है। आपने जैसे पहली क्लास देखी 1 घंटे की है, उसके अंदर आपको कैसे करना, जैसे सर ने कोई भी सवाल करवाया, वीडियो को पॉज कर आपने सवाल को कॉपी में नोट किया, फिर दूसरा सवाल, फिर ऐसे इस टाइप से आपको प्रॉपर नोट्स बनाने। नोट्स में क्यों कहने लग रहा हूं, क्योंकि जब आप सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपका प्रॉफिट लॉस दिमाग में से साफ होया मिला, पहले वाला टॉपिक, ठीक है, पहले सारे टॉपिक साफ हुए मिलेंगे, तो अब उनकी रिवीजन मारोगे तो दोबारा बार 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 वीडियो नहीं देख सकते भाई आप, आपको अब लगने लग रहा होगा कि हाँ हम तो दोबारा वीडियो जो किक कर दें, लेकिन होगा कौन ही, खुद का एक्सपीरियंस था बताऊँ तार अलग, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, प्रॉपर नोट्स बनाओगे ना फिर ऐसे रिवीजन मारने ना, एक बार बस कॉपी में देखे हाँ 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 इस डालता है, फटाफट रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मैथ कंप्लीट करो भाई, 3 से 4 महीने लग जाएंगे मैथ कंप्लीट करने में, यानी समझो अगर आज 10 जून है, अगर आज तक तैयारी करोगे ना तो 10 जुलाई 10 अगस्त 10 सितंबर यानी ये समझो अप्रोक्स 20 सितंबर तक तो तारा सिलेबस मैथ का पूरा होगा, उसके बाद उसकी रिवीजन मारनी, मॉक टेस्ट लगानी, यानी नवंबर तक पूरा एग्जैक्ट सिलेबस रिवीजन गच तैयारी हो जाएगी। रीजनिंग के अंदर भी सेम है भाई, यूट्यूब से किसी का भी चैनल पकड़ो, ठीक है, वहां से क्या इसकी सिर्फ मतलब कि जो
तीन चार टाइप के सवाल, जैसे घड़ी वाले सवाल हैं, या आपके कैलेंडर वाले सवाल हैं, या आपके डाइस वाले सवाल हैं, इन इन सवालों की वीडियो देख लो, एक बार समझ लो, सीख लो, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ मारो सिर्फ प्रैक्टिस, कहीं से भी मॉक टेस्ट परचेज कर लो, किसी की भी प्रैक्टिस सेट की बुक ले लो, कुछ ले लो, वहाँ से सिर्फ रीजनिंग की मारो प्रैक्टिस। मैथ का भी सिलेबस पूरा करने के बाद नरी प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर इसकी प्रैक्टिस ना करिए ना तो समझ लो जो सिलेबस कराया सारा साफ है। अब बात करते हैं जीके, माई फेवरेट चीज़, इसकी देखो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपकी। 40 क्वेश्चन है, 40 में से समझो भाई 30 के आसपास का स्कोर मैं करवा दूँगा, अगर मेरे पर विश्वास है तो। आप इसकी अभी भी रेगुलर क्लास ले सकते हो अपने चैनल के ऊपर, डेली रात को 8:30 बजे जीके की लाइव क्लास होती है भाई, ठीक है। और जिसको बचा हुआ सिलेबस पूरा करना भाई अपने चैनल के ऊपर ही, आप जैसे ही सब्सक्राइब करो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको छपा हुआ दिखाई देगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे उधर आपको दिखाई देगी जीके फॉर ऑल SSC DSSB और RPF एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर भाई मैं अभी तक 65 क्लास ले चुका हूँ, कंप्लीट मैंने स्टैटिक जीके करवा दी, कंप्लीट मैंने हिस्ट्री करवा दी, कंप्लीट पॉलिटी करवा चुका हूँ, एक दो में ज्योग्राफी स्टार्ट करवाऊंगा धीरे धीरे, ज्योग्राफी मतलब ये समझा यार, वो प्लेलिस्ट एक अलग ही खास प्लेलिस्ट होने वाली है, उसके अंदर करीबन मैं 100 क्लास करवाऊंगा और 100 क्लास में आपका जीके का सिलेबस पूरा, किसी का कोई बैच लेने की जरूरत नहीं, ना कोई माथा मारने की जरूरत, जीके सिर्फ आप यहां से कर लो ना, इस बात की मेरी गारंटी होगी, ट्रिक से याद करवाने की गारंटी मेरी, क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी, और पर्सन अगर इनसे बार फंस जाए तो उस बात की गारंटी मेरी बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के अंदर मैं इसके अंदर MCQ भी करवाता हूँ, ठीक है। तो जिक्के आप वहाँ से कवर अप कर सकते हो, अभी तक देखो 65 क्लास तो हो चुकी है, उसके अंदर 100 क्लास ही जोड़ी है अप्रोक्सीमेट, समझो उसके अंदर भी 3 महीने लगेंगे, रोज की एक क्लास लगाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, और अभी से स्टार्ट करो भाई, तब बात बनाएगी, तब आप ये समझो आपका सितंबर एंड तक तो आपका सिलेबस पूरा होगा, जो फ्रेश कैंडिडेट है उसकी बात करने लगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, अक्टूबर नवंबर में तेरा पेपर हो जाएगा, ठीक है मेरे भ्राता, तो आज तक पढ़ना शुरू करो, इन जिद बात बढ़ाई कदम तम आओ आबाजी मना हंडियो, बीच में ऐसे भी दिन आओगे रोज रोज कौन पढ़िया जावे, 10 दिन पढ़ लिए, एक दो दिन बीच में काम भी हो जावे, फिर पढ़ लिए फिर एक दो दिन काम भी हो जावे, ठीक है। तो नू ना समझियो कि भाई तामनू भाई नो एग्जैक्ट नो समझो भाई एग्जैक्ट तम झंडे काट दो उस टाइम पीरियड के अंदर, जो मैंने सितंबर एंड बोला नहीं, मिड अक्टूबर तक भी जा सकता तारा समय, तारा पूरा को नहीं हो सिलेबस, कदे अड़काम ले रहे हो, तो इसीलिए बताने लगे रहा हूँ, अगर आज से तैयारी करना शुरू करोगे ना भाई तब जाके ये कलर की जॉब आपको मिलेगी, वरना भूल जाइयो, कोई मैं तारती झूठा दिलासा कौन देंदा कि हाँ भाई नो है ताम कर दो कलू और फ्रेश कैंडिडेट बैच ले लो, ऐसा कुछ नहीं भाई, ना तो अभी कोई बैच भेज देना कुछ, और तारती जमा ईमानदारी से चीज़ बताई है भाई, ये चीज़ें हैं पर्सनल एक्सपीरियंस था बताई भाई, आप ये चीज़ें इस हिसाब से कवर अप कर सकते हो, इस हिसाब से क्लियर कर सकते हो, सब कुछ आप यूट्यूब पर भाई आज के दिन में आपको 1 रुपया खर्च करने जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जमा गचाली तैयारी कर सको अगर आपकी नीयत अच्छी है तो। लेकिन सभी बच्चों से तैयारी नहीं होती, पढ़ाई सबके बस की बात है नहीं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं YouTube के ऊपर क्लास लेता था ना, उसके अंदर कैसे था, जैसे शुरू वाले दिन मैंने क्लासेज ली, जैसे मैंने सीरीज शुरू करी, तो 5-7 दिन तो भाई खूब बच्चे आए, हज़ार बच्चे आए, लाइव आते थे, खूब देखते थे, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई, फिर 900 पे आए गए, फिर 800 पे आए गए, फिर 700 पे आए गए, ठीक है। अब वो 700 पर अटके, मतलब अब जो वर्तमान में जो 700 बच्चे आने लग रहे हैं ना भाई, वो बच्चे हैं भाई जो रेगुलरिटी से पढ़ने लग रहे हैं, कंटिन्यूटी से पढ़ने लग रहे हैं, और वही सिलेक्शन लेके जाएंगे। अब जैसे मान लो मेरी वीडियो के ऊपर जो मैंने शुरू वाली वीडियो डाली थी, उसके ऊपर करीबन 2.5 लाख के अप्रोक्स व्यूज़ हैं, उस 2.5 लाख के अंदर भाई वो सारे 2.5 लाख पढ़ने वाले को नहीं बालक है, आधे तो ऊँ टाइम पास है, 2-3 वीडियो देखी छोड़ दी, चले 2-3 वीडियो देखी ठीक है, उनकी कंटिन्यूटी नहीं है तो 0 हो आप, चाहे कितने मोटिवेशन ले लो वो चीज़ कोई काम नहीं रखती, ठीक है भाई। यही सूचना सभी को देनी थी, सारे राम राम धन्यवाद, लड़ना ले लो, खाँच जाओ भाई, पढ़ लो फटाफट।